और ये आप लोग का पहला ही इंटरव्यू होगा? हाँ सर, मेरा तो पहला ही है। अच्छा, और लोग का भी लगता है कि ज़्यादातर तो आप लोग फर्स्ट टाइमर ही हैं, तो अच्छा है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि मार्क्स तो अच्छा मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम में जो लोग भी जाते हैं उन लोग को मार्क्स अच्छा मिलता है, और जैसे जैसे टाइम में मतलब ये ज़्यादा लगने लगता है वैसे वैसे मार्क्स की जो रेशियो है वो घटते जाते। मेरी ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? अभी सर कुछ वीडियो आ नहीं रही है, वो कुछ यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरी बनाकर वो कुछ आइकन आ गया, वैसा पहले आ स्टॉप रहा था। प्रेजेंटिंग कर दें क्या? हाँ सर, अभी तो हुआ। आ गया। और बाकी को सर अलाउ करते जाइए, जो भी ज्वाइन हाँ, तो करने का जो इच्छुक ज्वाइन है। करना वो तो मैंने अलाउ किया है कुछ लोगों को, लेकिन कई लोगों के साथ दिक्कत ये भी है ना कि इंटरनेट का भी इशू है। नेट का भी इशू है उनका, है ना? तो नेट का भी, मेरी मेरी आवाज़ आप लोग को पूरी तरह सुनाई दे रही है ना? आपके आपके वीडियो आवाज सब कुछ लिए है। हाँ, तो देखिए, जहाँ तक के इंटरव्यू का सवाल है कि इंटरव्यू की तैयारी में जैसे रिजल्ट आती है तो दो चीज़ें मतलब हर कोई महसूस करता है कि दो चीज़ उसके साथ दो फेनोमेना होती है, जैसे रिजल्ट आई और दो चीज़ें आपके दिमाग में होती है। फर्स्ट जो चीज़ आती है कि इंटरव्यू का नाम सुनते कुछ फियर भी आता है ना? कुछ फियर, कुछ डर टाइप का चीज़ भी लगता है। अच्छा, तो देखिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो करना है तो हम लोग इसी से दो बातों से तैयारी को शुरू करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे सारे चीज़ को। पहला कि हाउ टू रिड्यूस फियर, राइट? अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करने जाते हैं, और सारे लोग को, हम लोग भी जब इंटरव्यू की तैयारी की बात होती है तो सबसे पहला चीज़ होता है कि जैसे आप क्वालिफाई करते हैं वैसे आपको कुछ डर लगने लगती है, कुछ चीज़ें जो है लगती है कि आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, तो एक अन्यासी डर लगती है। और दूसरा चीज़ जो है कि कॉन्फिडेंस, हमारा दो वर्क होता है जब भी इंटरव्यू हम फेस करने जाते हैं, तो इंटरव्यू फेस करने का जो प्रोसेस शुरू होता है उसमें दो चीज़ से ही शुरू होती है। एक तो शुरू होता है कि हाउ टू रिड्यूस फियर। देखो, फियर नेचुरल है। जब हम बात करते हैं, जब भी आप मेंस क्वालिफाई कर गए और मेंस क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है तो फिर इंटरव्यू के प्रोसेस में फियर होना स्वाभाविक है, राइट? एक मिनट, फिर कोई प्रेजेंटिंग यहाँ कुछ आ रहा है। अब ठीक है, मेरी ऑडियो और वीडियो आप लोग पास जा रही है? रोशन, कोई दिक्कत? रविंदर, आप अभी जुड़े हैं, आपको कोई दिक्कत? वेलकम रविंदर, आप पे को कोई दिक्कत, आवाज़ सुनाई दे रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ जा रही है ना? हाँ ठीक है, ओ हाँ ठीक है। तो हम लोग, हाँ ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर वे में। अभी दो लोग अभी जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ जाएंगे जैसे उनका प्रोसेस होगा। तो जैसे रिजल्ट आती है, और इसमें कोई ऐसा भी है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पहले पहले, इसके पूर्व किसी ने इंटरव्यू दिया है? नहीं। तो जैसे रिजल्ट आती है वैसे क्या प्रोसेस होता है कि एक तरफ हमें फियर यानी डर लगने लगता है कुछ हद तक, और दूसरी तरफ हम कॉन्फिडेंट भी अपने आप को महसूस करते हैं। जैसे आप देखिएगा, आप इंटरेक्ट कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच की जो फेल कर गए हैं, जिनका मेंस नहीं हुआ है,
तो जिनका मेंस नहीं हुआ है उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, राइट लेकिन जो मेंस पास करते हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लगता है, एक तरफ कॉन्फिडेंस लगता है और दूसरी तरफ डर भी लगता है, फियर लगता है। तो इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है, हर किसी का इंटरव्यू यूनिक होगा और प्रिपरेशन भी यूनिक होगा, बट कॉमन बात हम लोग करें कि जो डर है उसको कैसे रिड्यूस करें, हाउ टू रिड्यूस फियर, और सेकंड थिंग हाउ टू इन्हांस कॉन्फिडेंस, के एक तरफ आपको अपने डर को कम करना है और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। बीच बीच में क्या होता है, जैसे आप एक दो दिन तीन दिन रिजल्ट हुआ तो शुरू दिन जैसे रिजल्ट होगा आप बहुत मतलब बहुत कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करेंगे, एकदम बूस्ट हो गए हैं कि चलो मॉरल बूस्टिंग हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया, तो जिससे भी मिलेंगे आप एकदम कॉन्फिडेंट मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप तैयारी शुरू करना सोचना शुरू करते हैं कि इंटरव्यू देना है, कैसे अब इंटरव्यू को हम फेस करें, तो एक तरफ फियर और कॉन्फिडेंस दोनों का द्वंद्व होता है, राइट। कई बार लगने लगता है कि कॉन्फिडेंस कम हो गया, कई बार लगने लगता है कि फियर कम हो गया, अब हम कॉन्फिडेंट हैं और आराम से दे सकते हैं। तो दो चीज से हम लोग शुरू करें और इसी से पूरे इंटरव्यू को हम देखने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे हर किसी का इंटरव्यू को गाइडेंस करने का अलग अलग तरीका होता है, मैंने अपने लाइफ में कई इंटरव्यू को फेस किया है, कई लोगों को कराया है, तो मुझे जो लगता है कि पहला हम काम करें कि फियर, हाउ टू रिड्यूस फियर, और फियर का कारण क्या है। अगर आपको डर लग रहा, आप पास कर गए तो डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोई इस बात को कहे या नहीं कहे, हर किसी को इंटरव्यू को लेकर डर लगने लगती है, राइट। और ये डर आज से शुरू होगा, और जब आप कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यू बोर्ड में आपका नाम आएगा तो फिर वहां भी हार्टबीट बढ़ने लगती है, यानी डर लगती है, ध्यान ये रखना है। तो कैसे हम इस फियर को मैनेज करें, तो किसी भी चीज को मैनेज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम पहले जानें कि हमारे डर का कारण क्या है, राइट। क्यों आपके मन में फियर आ रहा, इसका तीन चार इंपॉर्टेंट कारण होता है जो सब में कॉमन होता है। पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि लैक ऑफ नॉलेज, आपको फील होगा, राइट, लैक ऑफ नॉलेज, हर किसी को लगेगा कि मेरे पास नॉलेज कम है। क्यों ये लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है, क्योंकि पीटी और मेंस की जब तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेबस रहता है हमारे सामने, हमारे सामने एक पाठ्यक्रम होता है, और अगर हम उस पाठ्यक्रम को तैयार कर लें तो फिर हमारा डर खत्म हो जाता है कि इतने चीजें हम तैयार कर लिए हैं और उसको कई बार हम लिख लिए तो एक तरह से डर खत्म हो जाता है। इंटरव्यू के सामने क्या होता है कि हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, राइट, ये ओपन एंडेड है और ये प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक होता। मैं ये बार बार दोहरा रहा हूं कि जैसे आप कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े कहानी लोग सुना करके और एक कॉमन ग्राउंड बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमेशा याद रखिए कि आपकी इंटरव्यू आपकी यूनिक इंटरव्यू है, केवल और केवल वो प्रश्न आपके लिए होंगे, वही प्रश्न किसी और के लिए नहीं होगा, ध्यान ये रखना है कि ये आपके पर्सनालिटी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। और इसलिए चूंकि हमारे सामने कोई सिलेबस नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है, कोई चीज़ अगर हमसे पूछा जाता है और हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो एक फियर इसके कारण होता है। दूसरा, हम इस पर फिर बात करेंगे कि पहले कारण देख रहे हैं और कारण को कैसे दूर करेंगे, कारण का फिर कंसिक्वेंस कैसे होता है और फिर उसको कैसे दूर करेंगे, इसी में बात हम करेंगे। आपके नॉलेज की बात करेंगे, आपके बायोडाटा की बात करेंगे, आपकी पर्सनालिटी की बात करेंगे,
आपके जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, आपके प्लेस की बात करेंगे जहां से आप बिलोंग करते हैं, फिर हम करंट अफेयर की बात करेंगे, फिर ऑप्शनल की बात करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑप्शनल से जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल से क्वेश्चन 4 या 5 आपको पूछे जाएंगे, राइट। अगर बहुत ज़्यादा कोई किसी को आप पे इंटरव्यूअर को आपने बहुत ज़्यादा ऑप्शनल के क्वेश्चन आए उसको प्रभावित कर लिए तब जाके 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अदरवाइज ऑप्शनल से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब जो हम लोग मतलब होल आपके प्रोसेस को हम इसी 2 बात से शुरू करें और इसी के साथ इंटरलिंक करेंगे अदर चीज़ों को कि कैसे चीज़ें इंटरलिंक्ड होगी, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ये रिजल्ट हो जाती है तो रिजल्ट होने के साथ 2 फिनोमेना होता है, एक फियर और एक कॉन्फिडेंस। हमारा पूरे इंटरव्यू के दौरान प्रोसेस आपका प्रत्येक व्यक्ति का ये होना चाहिए कि कैसे हम फियर को रिड्यूस करें और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, ये बात ध्यान में रखना है। क्योंकि ये फियर वहां भी रहती है कि जैसे ही आपका नाम कॉल आया पता चला आपका हार्ट बीट बढ़ने लगा, है ना, आप मौत के कुआं में जा रहे हैं इस टाइप का लगने लगेगा कि हार्ट बीट बढ़ने लगा। तो फियर का एक कारण जो आमतौर पर जब पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं, राइट, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि लैक ऑफ नॉलेज है, राइट। और मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग पहली बार देने जा रहे हैं तो किसी ने पहले दिया है बीपीएससी का इंटरव्यू? किसी ने अगर दिया है तो उनका सिचुएशन अलग होगा, है ना। और अगर आपने से किसी ने इंटरव्यू नहीं दिया है तो एक पहला चीज जो होता है वो लैक ऑफ नॉलेज। हम बात करेंगे कि लैक ऑफ नॉलेज का जो फियर है ये एक भ्रम है, आगे आगे के हम बात करेंगे उस पर। लैक ऑफ नॉलेज फियर का कारण नहीं है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है आपका कि आपको लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज जो है इसके कारण फियर हो रहा है। थोड़ा सा काट दीजिए, है ना, जिसका साउंड ये कर रहा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज है, रिपीट हो रहा है ना, तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज जो फियर का है, या तो ऑडियो सभी लोग ऑफ कर लीजिए, अपनी ऑडियो सभी लोग ऑफ कर लीजिए, जब कुछ प्रश्न पूछना होगा तो फिर आप पूछिएगा। दूसरा फियर का कारण है कि आम तौर पर हमें लगता है कि हमारे पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, हम बोल पाएंगे, हम कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं, ये भी हमारे अंदर लगता है और इसके कारण भी हमको डर लगता है। किसी का ऑडियो मतलब चल रहा है, आप देखिए उसको ये कर लीजिए, राइट। तो एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरा लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये फीलिंग है केवल। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरव्यू देने हम जा रहे हैं, हम किसी स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं करने जा रहे हैं, हम किसी स्टेज पर भाषण नहीं देने जा रहे हैं, हम किसी क्लास में लेक्चर लेने नहीं जा रहे हैं कि हमको लेक्चर देना है और इसलिए लेक्चर देने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। लेकिन जैसे इंटरव्यू की बात आती है हमारे अंदर फीलिंग होती है कि लैक ऑफ कुछ कम्युनिकेशन स्किल है, ये भी भ्रम है। क्योंकि इंटरव्यू में जो कम्युनिकेट करते हैं वो हम अपने नेचुरल कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंतर्गत करते हैं। जैसे नेचुरली जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, जो डे टू डे का कम्युनिकेशन स्किल है, उसी के अंतर्गत नेचुरल होकर आप कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ही आप आर्टिफिशियल बनने का प्रयास करते हैं वैसे ही आपको फील होता है कि अरे मेरे पास तो कम्युनिकेशन स्किल लगता है कम है, हम बहुत अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जब आप जा रहे हैं
तो उसमें किसी स्टेज पर परफॉर्म करने वाले के जैसा कम्युनिकेशन स्किल नहीं चाहिए, किसी लेक्चर के जैसा कम्युनिकेशन स्किल आपको नहीं चाहिए, किसी प्रोफेसर के जैसा कम्युनिकेशन स्किल नहीं चाहिए। वहां कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कि हम जो बात समझ रहे हैं उस बात को हम अपने बॉस को सिंपली कैसे कम्युनिकेट करें, और अपने कलीग को भी उसको कम्युनिकेट करें, हमारे जो जूनियर हैं उनको भी कम्युनिकेट करें कि वो समझ जाएं। और इसलिए हर किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान ये रखना, मैं बात कर रहा हूँ प्रशासन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्टेज पर कम्युनिकेशन भाषण देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास में लेक्चर लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल का बहुत रोल है। यहाँ इंटरव्यू में भ्रम क्या हो जाता है, लोगों को भ्रम क्या हो जाता है कि जाना है तो बहुत अच्छा से बोलना है, अच्छा से बोलना है, लेकिन अच्छा से बोलने का जो प्रयास पर जो आप फोकस करते हैं वो आपको और डर आपको पैदा करता है। आपको नेचुरल वे में बात करना है, जो आपका नेचुरल वे है उस नेचुरल वे में ही आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, आर्टिफिशियल में आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। राइट, हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करना है अपने नेचुरल वे में। राइट, तीसरा वो किसी किसी के साथ होता है, आप में से किसी को नहीं होना चाहिए, कि किसी को इंटरव्यू फोबिया होती है। राइट, कि समान तौर पर तो सही रहेगा, जैसे इंटरव्यू फेस करेगा वहीं उसका गड़बड़ हो जाएगा। उसका भी कारण आपको फियर है, और देखो इस फियर का रिजल्ट क्या होता है, जैसे आपके अंदर में फियर होगा तो फिर आपका बॉडी में कंपन होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। राइट, आप कोई चीज रिमेंबर कर रहे हैं वो चीज आप भूल जाएंगे। आपको मैं टोटली बता रहा हूं कि आप जैसे ही फियर का प्रेशर आपके बॉडी पर पड़ेगा वैसे ही क्या होगा कि आप उन चीजों को भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि दिमाग शून्य हो गया, कुछ याद नहीं आया, क्योंकि यहां सोच के तो लिखना नहीं है, इंटरव्यू में तो क्या करना है कि प्रश्न पूछा गया और फिर आपको जवाब देना है, तो यहां सोचने का वक्त तो है नहीं, बहुत कम वक्त है, तो सोचने का वक्त बहुत कम है। इस कारण से जब आप इंटरव्यू की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें जो होती है कि नेचुरल है, ये फियर नेचुरल है। एक मिनट, फिर कोई किसी ने जुड़ा है तो उसका प्रोसेसिंग हो रहा। राइट, तो फियर और इसका कंसिक्वेंसेज, व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट फियर। अब हम बात करें कि इसको कैसे रिड्यूस करें, आपको करना है, हमें नहीं करना है, ध्यान ये रखना है। इंटरव्यू की तैयारी, बेस्ट इंटरव्यू आप दें ये डिपेंड है आप पर, ये आपको जो गाइड कर रहा उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है आप पर कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जो 15 दिन 20 दिन महीना दिन दो महीना जो बाद जो इंटरव्यू आपकी होगी उस इंटरव्यू के जो चैलेंजेस है जो प्रेशर है उस प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं। राइट, तो फियर को रिड्यूस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस हमारे पास होगा। अगर फियर रिड्यूस नहीं रहेगा तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो मैंने कहा कि फियर का जो पहला कारण जो मैंने आपको बताया कि हम लोग को लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है। राइट, मैंने उस समय भी कहा कि ये एक भ्रम है, दरअसल इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट नहीं है।
पहली चीज आप जान लीजिए। अगर आपके मन में ये डर है कि आप पे पहली बार एग्ज़ाम दिए और पहली बार ही आप क्वालिफाई कर गए, ज़्यादातर लोग वैसे ही हैं जो पहली बार क्वालिफाई किए हैं, ये बड़ा ही मेरा खास करके मेरे अध्यापन का ये एक्सपीरियंस है कि पहली बार जो मेरे साथ आता है पढ़ने, उस साल उसका जरूर रिजल्ट हो जाता है। अगर उसको फॉलो कर लेता है तो रिजल्ट हो जाता है, दाएँ बाएँ करता है तब जा कर के प्रॉब्लम उसको होता है। UPSC में भी मैंने यही देखा है कि स्टूडेंट PT क्वालिफाई करके आया और ज्वाइन किया और पास कर जा रहा, क्योंकि मैं बहुत कंसाइज अध्यापन करता हूँ। कई लोगों को लगता है कि सर बहुत कम पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग बात करें कि कैसे फियर को रिड्यूस करेंगे। तो दिमाग में या नोट कर लेना है, ये माइंड में नोट कर लेना है कि लैक ऑफ नॉलेज का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, पहली चीज, क्योंकि इट इज़ नॉट ए नॉलेज टेस्ट। ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये बार बार अपने आप को समझाना है कि यह जो इंटरव्यू है ये नॉलेज का टेस्ट नहीं, ये अपने दिमाग को समझाना है। देखो, ये सारी चीज साइकोलॉजिकल लेवल पर इस चैलेंज को टैकल किया जाता है। गलती से कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे रिजल्ट आता है वैसे पढ़ना 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनका चेहरा लटक जाता है, माइंड में टेंशन रहती है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, राइट? और पर्सनालिटी का टेस्ट है तो किस प्रकार का पर्सनालिटी चाहिए? एक एडमिनिस्ट्रेटर आप अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग पर्सनालिटी सुटेबल होता है। पहली बात आप ध्यान रखिए कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये दिमाग को समझाना है, आपको अपने दिमाग को समझाना है कि इट इज़ नॉट ए नॉलेज टेस्ट, क्योंकि नॉलेज का जो टेस्ट था वो हम क्वालिफाई कर गए हैं, वो PT में था, मेंस में था, वो हम क्वालिफाई कर गए हैं। रोज अपने आप को समझाना है कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ध्यान ही रखना है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। हम बात करेंगे, पर्सनालिटी पर आएंगे, पहले आप फियर के पहलू को समझ जाइए। जब तक आपके दिमाग को ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तब तक आपके दिमाग से फियर दूर नहीं होगा। एकदम से सीधा आप इस बात को ध्यान में रखें कि किसी भी इश्यूज पर आपको एक मिनट भी समय नहीं दिया जाता है कि आप एक मिनट भी बोलें। अगर भारत चीन संबंध है तो आपको एक मिनट भी समय दे रहा कि आप एक मिनट ही उस पर बोलिए, नहीं, कोई क्वेश्चन आया आप 10-20 सेकंड में आप उसका आंसर दे रहे हैं। तो नॉलेज तो वहां दिखाया जाएगा ना जहां पर हमको आधा घंटा कोई कहे कि नहीं आप आधा घंटा इस पर बोलिए, 20 मिनट बोलिए आप इस पर, 10 मिनट बोलिए। पूरे 20 मिनट में आपसे 30-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लोग जवाब देते हैं उनसे 20 मिनट में 30-40 प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट? तो जब 20 मिनट में 30-40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कौन सा नॉलेज का उसमें टेस्ट कर लिया जाएगा? इसलिए ध्यान ये रखना है, एकदम दिमाग से इस बात को निकाल देना है कि इट इज नॉट ए नॉलेज टेस्ट, राइट? इट इज ए पर्सनालिटी टेस्ट। लेकिन पर्सनालिटी जो टेस्ट है उसका एक भाग नॉलेज है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो किसी के व्यक्तित्व का एक पार्ट नॉलेज है, संपूर्ण पार्ट नॉलेज नहीं है। आपके पर्सनालिटी का टोटल पार्ट नॉलेज नहीं है। पर्सनालिटी में आपका फिजिक भी आता है, पर्सनालिटी में आपकी आइडियोलॉजी भी आते हैं, पर्सनालिटी में आपके बॉडी लैंग्वेज भी आते हैं, पर्सनालिटी में आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी आता है, और पर्सनालिटी में आप जो वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ
आपकी फेशियल एक्सप्रेशन का वैलेंस है कि नहीं, ये भी आता है। हम आएंगे उस पर्सनालिटी के पहलू पर। पहले आप इस पहलू को अपने दिमाग में जो फियर है उस फियर को निकालना है, राइट? तो अगर नॉलेज का टेस्ट नहीं है तो इसको लेकर के रात को नींद नहीं खराब करना है। पहली बात आप ध्यान रखिए, ये रात को अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे, आपके चेहरे पर चार्मिंग नहीं आएगा, इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। पहली चीज ये मैं सारा चीज अपनी एक्सपीरियंस से और आपको प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं। उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे जो आपके और जो पढ़ाई लिखाई की जो बातें है करनी। सोना तो परफेक्ट है, ध्यान ये रखना कि आपको नींद पूरी लेनी है। जैसे मेंस के समय क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते आदमी का चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है, राइट? हर किसी के साथ होता है। जब मेंस देना है तो प्रेशर इतनी ज्यादा रहती है, और चूंकि मेंस को हम निकाल सकते हैं पढ़ाई और लिख करके, तो पढ़ने और लिखने का जो प्रोसेस होता है वो लिखने वाला प्रोसेस और भी ज्यादा मेहनत का काम है। तो उस समय चेहरा पर तनाव दिखता है। इंटरव्यू में अगर आप 10 घंटा पढ़ने जाएंगे तो चेहरा पर तनाव दिखेगा, ध्यान ये रखना है। आपको इंजॉय करते हुए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितने भी आप इंजॉय कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई को टेंशन लेके नहीं कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं और तब आप पढ़ रहे हैं। और नींद पूरी लेनी है, पहली चीज आपको एकदम पूरी नींद लेनी है। जैसे आप फुल नींद लेंगे और दिमाग को रोज समझाना है कि इट इज नॉट ए नॉलेज टेस्ट, ध्यान ये रखना है। ये जब तक आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप में घबराहट रहेगी, आप में फियर रहेगी, सब चीज रहेगी। इसलिए जो आपका डेली रूटीन होना चाहिए उसमें नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ध्यान ये रखना है। नींद उतना लेना है कि चेहरा एकदम से, आप देखो कि आप किसी दिन आप अच्छा नींद नहीं लेते हैं और उस दिन आप अपने आप को ऐनक के सामने रखते हैं तो आपका चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, और अगर आप नींद अच्छा लेते हैं तो आपके चेहरे खिले हुए नजर आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपका डेली जो रूटीन है उसमें नींद तो पूरा लेना है, और उसके बाद जो चीज़ें समय बचे तो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे क्या किन चीज़ों को देखना है। तो नॉलेज के चलते जो आपको फियर है, राइट, कि ये नॉलेज मेरे पास कम है, मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ इंटरव्यू देने तो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेबस तो सामने है नहीं कि हम उस सिलेबस को तैयार करें, तो इसको दिमाग से एकदम से हटा देना है। कई बार क्या होता है कि आप खूब तैयारी करते हैं, राइट, उसमें से एक भी वहाँ नहीं पूछा जाता, एक भी सिंगल क्वेश्चन जो आपने तैयार किया है उसमें से इंटरव्यू में नहीं पूछा गया, राइट, आप डिप्रेस हो जाते हैं, अरे हमने इतना तैयारी किया और जो पूछा गया वो इतना बढ़िया पूछा गया कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिए। तो ये सारा चीज हम लोग करते हैं। जो सेकंड जो एस्पेक्ट, जो चर्चा का एस्पेक्ट हमने बनाया है कि कैसे कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और उस दिन और ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहें, उस चर्चे तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमने इसको यहां से शुरू किया है, राइट। दूसरा हमने क्या कहा कि हम लोग को लगता है ये भ्रम होता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है, राइट, खास करके जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, और वो लोग अगर इंटरव्यू देने का उनको मौका मिलता है तो उनको एक अंदर से ये फील होता है कि अरे हम तो ठीक से बात नहीं करते हैं, बहुत अच्छा हमारा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो ये उनको एक फियर क्रिएट करता है, उनमें एक फियर क्रिएट करता है कि हमारे पास बेहतर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इंटरव्यू है और उस इंटरव्यू में जो स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वो आप सभी के पास है,
क्योंकि उसमें नेचुरल चाहिए, ध्यान ये रखना है कि वो कम्युनिकेशन स्किल आर्टिफिशियल नहीं चाहिए कि आप आर्टिफिशियली जो है कहीं स्टेज पर खड़े हो गए और बहुत अच्छा बोल रहे हैं, उसमें नेचुरल चाहिए। दूसरा ध्यान ये रखना, वो सबके पास है। आप एकदम से इस बात को जान लो कि आप जिस रूप में आप हैं, आपको जो बात करने का तरीका है वो नेचुरल रूप में वहां रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आर्टिफिशियल अगर आप करेंगे तो फिर आपको फियर भी होगा, क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल आप करेंगे आपको लगेगा हमसे नहीं हो रहा, राइट। और अगर आप नेचुरल करेंगे तो फिर आप क्या फील करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि कम्युनिकेशन स्किल का दो इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, एक नॉन वर्बल और दूसरा वर्बल, राइट। नॉन वर्बल और वर्बल एंथ्रोपोलॉजी में यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है लैंग्वेज एंड कल्चर, राइट। उसमें लैंग्वेज एंड कल्चर के अंतर्गत जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है, उस लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य का जो फेस है, जो चेहरा हमारा है, ये चेहरा जो है ये 1000 से ज्यादा मैसेज कन्वे करता है। केवल फेस आपका मैं कह रहा हूं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप यहां तक आपकी सोच नहीं जाती होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस पे नहीं सोच पा रहे होंगे कि आपके जो चेहरा से जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है कि कम से कम 1000 से ज्यादा मैसेज वो रिफ्लेक्ट करता है। नॉन वर्बल की मैं बात कर रहा हूं, जो आप सोचते हो ना कि कम्युनिकेशन स्किल लायक है हमारे पास कम है, ऐसा नहीं है। देखो एवरीबॉडी जो व्यक्ति है, सारे व्यक्ति के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन स्किल वो रहेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन स्किल डिफरेंट है जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइट। इसका मतलब एक उदाहरण से आप समझो कि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, राइट, आप किसी सब्जेक्ट के मास्टर हैं और छोटी सी बात या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, कोई फैक्ट्स पूछा गया और आपको नहीं आता है, राइट, और आप सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी सर। जैसे आजकल ज्यादातर तो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ दिक्कत यह है कि वो 5 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी भूल जाते हैं, राइट, और फिर वो गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर ने उनके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के विषय से प्रश्न पूछ दिया, उनको नहीं आ रहा, राइट, वो नहीं वहां पर अपने आप को बता पा रहे। तो आपने नहीं बताया ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है, आपने सॉरी बोला ये बहुत बड़ा डिमेरिट नहीं है। डिमेरिट है कि सॉरी बोलने के साथ साथ आपका चेहरा का जो एक्सप्रेशन है वो घबराहट दिखा रहा, ध्यान ये रखना है कि इंटरव्यू के दौरान कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सॉरी बोलना पड़ रहा, लेकिन सॉरी बोलने के साथ आप हताशा जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ये आपके मार्क्स को घटाता है, सॉरी आपके मार्क्स को नहीं घटाता है। एक बार रांची में हम लोग थे और वहां पर कर्मा उड़ाव सर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, अभी भी होंगे, तो कर्मा उड़ाव सर बीपीएससी के सबसे कम उम्र के मेंबर हुए थे अपने समय में, और हम लोगों ने उनको इंटरव्यू के लिए ही बुलाया था कि सर स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टोरी इस पर सुनाया, हम लोग भी वहाँ थे। उन्होंने बताया कि एक बार एक लड़का हमारे बोर्ड में था, आया, और उस लड़के ने जब हम लोग प्रश्न करना शुरू किए तो लगातार 7-8-9 प्रश्न को उसने सॉरी बोला, राइट।
और उसके बाद जो प्रश्न को हम लोग ने चेंज किया, उस प्रश्न का उसने बहुत ही लाजवाब आंसर दिया और फिर उसे अच्छा मार्क्स भी मिला और वो क्वालिफाई किया। दूसरा एक बंदा था, जॉब में था, वो शुरू से ही बहुत स्मार्ट आंसर दे रहा था, मतलब उसके आंसर में, उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके जो कम्युनिकेशन का वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को ध्यान में रखिएगा। कम्युनिकेशन जब हम कह रहे हैं तो केवल बोलने की बात नहीं कह रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन की भी बात करें, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो वो लड़का जो कि जॉब में था और उसने बड़ा, मतलब उसका बैलेंस था, इंटरव्यू बहुत ही बैलेंस जा रहा था और लास्ट में एक क्वेश्चन का उसने बहुत ही अनबैलेंस जवाब दिया। और अनबैलेंस जवाब ये था, प्रश्न उनसे पूछा गया कि भाई आप तो इतने अच्छे से आप चीज़ों को समझते हैं, तो आप ये बताइए कि आप अपने ऑफिस में कैसे मैनेज करते हैं, जो आप ऑफिस में आपके बॉस हैं उनके साथ आप कैसे मैनेज करते हैं। उसका जवाब था कि बॉस से तो मैं जो कहता हूँ वही बॉस करते हैं, बॉस मेरी बात हमेशा मानते हैं। और उन्होंने कहा कि इसके कारण उसको काफ़ी, एक क्वेश्चन के आंसर खराब, बहुत खराब देने के कारण उसको काफ़ी कम मार्क्स मिले और वो आउट हो गया। इसलिए ध्यान ये रखना है कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं और उसमें हमेशा ये रिमेम्बर करना है कि जब हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, हम आंसर देने जा रहे हैं, स्वाभाविक है कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, राइट, जो इस बात को कहे कि इंटरव्यू में एक बार भी मैंने सॉरी नहीं बोला। अगर सच बोलेगा तो ध्यान ही रखना है कि जो कई लोग होते हैं ना कि क्वालिफाई कर गया उसके बाद पूरा एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट, अगर आप सच बोलते हैं तो चूंकि जिस चीज का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है उस चीज में अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो एक दो बार सॉरी बोलना स्वाभाविक है, आपको नहीं आएगा तो आप सॉरी बोले, लेकिन सॉरी बोलने के साथ साथ आपका चेहरा पर हताशा नहीं दिखे, राइट, ये कम्युनिकेशन आपको स्किल डेवलप करना है, ये स्किल डेवलप करना है। ये नहीं केवल है कि बात आप अच्छा कर रहे हैं, है ना, मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करने का आपके पास नहीं मौका है, आपके पास मौका है कि हम जो चीजें हमसे पूछा जा रहा उन चीजों को हम किस तरह से बेहतर तरीके से नेचुरल वे में, मैं बार बार कह रहा हूं कि नेचुरल वे में, आप नेचुरल वे में उसको कैसे जवाब दे रहे हैं। नेचुरल वे में जैसे आप जवाब दीजिएगा आपके जबान के साथ आपका चेहरा, आपके आईज का बैलेंस होगा, और जैसे आर्टिफिशियल आप बनने का प्रयास कीजिएगा आपके आंसर के साथ आपके फेस का, आपके होठ का, आपके आईज का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। और इसलिए यहां कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है कि आप इस तरह के कम्युनिकेशन स्किल को आप डेवलप करें जो कि आपके अंदर है। ध्यान ही रखना है कि ये आपके अंदर नेचुरल है, इसको थोड़ा सा पॉलिश करना है, है ना, पॉलिश करने का मतलब कि फॉर्मल में जाना है। जैसे आप इनफॉर्मल बात करते हैं उसको फॉर्मल में जाना है, तो पॉलिश केवल करना है, नेचुरल आपका चीज आपको रहना चाहिए। तीसरा जो मैंने कहा फियर का जो कारण, जो मैंने बताया था कि कई लोगों को फोबिया हो जाती है इंटरव्यू की, ये खासकर उन लोगों की होती है जो कई इंटरव्यू देने के बाद फेल कर जाते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट टाइमर को ये सब कम दिखाई देता है कि वो इंटरव्यू से एकदम फोबिया ग्रस्त हो गया कि गया और फिर जो है हाथ पाँव उसका हिलने लगा, फूलने लगा, माइंड का सेट गड़बड़ हो गया, ये फर्स्ट टाइमर को नहीं होता है। ये कई बार अगर कोई बार बार असफल हो रहा तो उसमें ये घर कर जाती है और उसको साइकोलॉजिकल लेवल पर ही आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ये जो मैंने फियर के जो कारण बताए और इसको मैंने दूर करने के जो उपाय बताए, इसका उसमें भी बड़ा ही रोल है। तो पहला आपको क्या करना है कि जो चर्चा हम लोग ने किया कि आपको फियर को रिड्यूस करना है,
और ये रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ये फियर आपको पूरी तरह रिड्यूस होगा अगर आपके दिमाग में दो बात हमेशा रोज आप इस बात को रिमेम्बर करें कि ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, दूसरा कि कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर में है, हम जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उसको थोड़ा पॉलिश करके, थोड़ा उसमें फॉर्मेलिटीज ला करके और हम कम्युनिकेट करने का प्रयास करेंगे। अब दूसरा पार्ट जो हमने इसके अंतर्गत शामिल किया है कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, राइट, हाउ टू इन्हांस योर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पहला तो चीज़ है कि जो टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट, उस पर्सनालिटी टेस्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट आयाम है उस डिफरेंट डिफरेंट आयाम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, राइट उसके अलग अलग जो आस्पेक्ट है। तो पर्सनालिटी में एक तो फिजिकल आस्पेक्ट है जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आपके फिजिक हैं वो हैं। हाँ, एक चीज उसमें आप कर सकते हैं, अगर इस बीच आप कंटिन्यूअस थोड़ा सा एक्सरसाइज या योगा करें तो फिर ये दो चीज जो होती है कि वो आपको आपके माइंड को और बॉडी को बैलेंस बनाता है। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है और पर्सनालिटी जो हमारा फिजिक है सो है, लेकिन उसको और इम्प्रूव करना है तो इसमें आपका योगा का एक्सरसाइज का रोल हो सकता है जो करना चाहिए। उसमें क्या होगा कि आप को मेंटली आप बड़ा रिलैक्स में रहेंगे, खुद में कॉन्फिडेंट आप लगेंगे कि हम कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा जो पार्ट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए पर्सनालिटी होनी चाहिए, तो कई बार कमीशन ये बात पूछता है कि भाई हम आप ही को क्यों चयनित करें, क्यों आपका सिलेक्शन करें। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हालांकि और क्राइटेरिया तो चाहिए, तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए। एक तो लीडरशिप का गुण आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए। गलती से कुछ लोग लीडरशिप का मतलब नेतागिरी समझ लेते हैं, राइट। हमारा एक दोस्त था, हम लोग इंटरव्यू दे रहे थे यूपीएससी का, और उसके इंटरव्यू में पूछा गया कि एक प्रशासक में क्या गुण होना चाहिए, उसने लीडरशिप का पॉइंट उसमें माइनस कर दिया था। तो बोर्ड ने पूछा कि लीडरशिप होना चाहिए कि नहीं, तो नहीं, राइट, उसने नहीं जवाब दिया और उसको काफी खराब नंबर मिला और आउट भी रहा। तो पहला चीज ये जानिए कि लीडरशिप का आपके पास गुण होना चाहिए, राइट, और लीडरशिप का गुण जिसके पास होगा उसको कोऑर्डिनेशन का भी गुण होगा। एक प्रशासक में लीडरशिप के साथ कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग की क्षमता, राइट, क्विक डिसीजन मेकिंग, आपको समय नहीं है, अगर कहीं कुछ ऐसा घटना घट गई, डीएसपी आप हैं और फिर लोगों ने घेर रखा है या कहीं गोली चल रही है, तो फिर आपको उस समय समय नहीं होती है कि आप आधा घंटा उस पर सोचे, आपको क्विक डिसीजन लेनी है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है इस पर्सनालिटी में तीन चीज होनी चाहिए, एक तो लीडरशिप का गुण होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का गुण होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग की क्षमता आप में होनी चाहिए। अब इस तीनों चीज की जो जांच होती है इंटरव्यू में वो बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से होती है, आपके साथ बातचीत की जाती है। और बातचीत जो की जाती है तो पहले जो मैंने कहा कि लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन वहां भी मैंने कहा कि पर्सनालिटी का एक पार्ट है नॉलेज, पर्सनालिटी का हमेशा एक पार्ट नॉलेज है। तो पर्सनालिटी से नॉलेज को आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपसे जब बातचीत की जाएगी
ध्यान ये रखना है कि एकेडमिक सेंस में वो नॉलेज का बात नहीं है, एकेडमिक सेंस में की बात है कि ऐसा नहीं कि आपको डीप एंड डीपेस्ट जाकर के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। वो सिंपल क्वेश्चन पूछी जाती है, और सिंपल क्वेश्चन पूछी जाती है तो हमारी पर्सनालिटी, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, उसके लिए कुछ नॉलेज गैदर हमें करना पड़ता है। और ये जो नॉलेज गैदर हम करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो इस प्रोसेस को शुरू करना है अपने बायोडेटा से। ध्यान ये रखना है कि जो प्रोसेस जो हमारे पर्सनालिटी को निखार देगा, मैं कह रहा हूं कि पर्सनालिटी आपका जो है सो है, अब एक महीने डेढ़ महीने में जो आपके पास मौका है, उस मौका में आपको उस पर्सनालिटी को एक्सप्रेसिव बनाना है कि कैसे हम अपनी आंतरिक जो चीज़ें हैं, हमारे मन में जो चीज़ें हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर सकें। तो एक्सप्रेस करने के लिए, हालांकि हमारे पास सिलेबस नहीं है कि किस चीज़ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास है जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, राइट? और उसमें पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका बायोडाटा। अब देखो, बायोडाटा के बारे में हाल के वर्षों में जो बीपीएससी ने कुछ इंटरव्यू में किया है कि अब आपका नाम नहीं जाता है, कोडिंग वहां सिस्टम हो गई है। और इसलिए आम तौर पर क्या होता है कि आपको सेल्फ जो इंट्रोड्यूस करना है, ये भी एक डिफिकल्ट टास्क बन गया है, राइट? क्योंकि आपकी नाम तो जाने ही, नाम पूछी नहीं जा रही है। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आप अपने नाम को हटा करके आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, विदाउट नाम को प्रेजेंट किए, विदाउट फादर नेम को प्रेजेंट किए, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ध्यान ये रखिएगा, विदाउट, बिना नाम के अगर आपको कोई कहे कि भाई आप अपना नाम मत दीजिए और आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, राइट? तो फिर आप किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कीजिएगा? या तो आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा अपने एजुकेशन और प्लेस के माध्यम से, या जॉब के माध्यम से, राइट? आपके पास इंट्रोड्यूस करने का ये तीन चीज बढ़ता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ इस विषय में, यहाँ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ जॉब करता हूँ इस डिपार्टमेंट में। तो ध्यान ये रखना है कि जो प्रिपरेशन, जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हमने कहा देखो कॉन्फिडेंस तो आधा कॉन्फिडेंस तो आ जाएगी फियर को रिड्यूस कर दोगे तो, ये बात ध्यान में रखना है कि जैसे आपने फियर को रिड्यूस कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल 50% बढ़ जाएगा। बाकी जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसको बढ़ाने के लिए हमको अपने बायोडाटा से शुरू करना है। तो बायोडाटा से शुरू करना है तो पहला जो है आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड को तैयार करना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं बात कर रहा हूँ, राइट? अब देखो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसमें कई लोगों के साथ ये चीज़ें होती है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और ऑप्शनल सोशल साइंस आपने ऑप्ट किया है, सारे लोग ऑप्शनल सोशल साइंस यानी एंथ्रोपोलॉजी आप लोगों ने ऑप्ट किया है, तो कई लोगों के साथ ये दिक्कत है कि अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले जो विषय है उसमें कई चीज़ फॉरगेट कर जाते हैं, कम रिमेम्बर रहता है। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि अप्लाइड जो पार्ट है, अप्लाइड पार्ट में कह रहा हूँ कि जितने लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो अपने अप्लाइड, जो आपके इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसकी अप्लाइड जो पार्ट है उसको आपको तैयार करना है और उस पर पूरी कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि उस पर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बोर्ड यह मान के चलता है कि आप उसमें परफेक्ट और एक्सेलेंट जवाब देंगे। ध्यान ही रखना है, परफेक्ट भी देंगे एक्सेलेंट देंगे। और जो लोग सिंपल ग्रेजुएट हैं, साइंस से ग्रेजुएट हैं, सोशल साइंस को आप ऑप्शनल के रूप में लिए हुए हैं, तो सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप मैट्रिक लेवल का जो चीज़ है, एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं,
एक तो उसको देख लीजिए, उसमें भी अप्लाइड पोर्शन, और करंट में अगर कोई चीज उसके साथ इंटरलिंक्ड है तो आप उसको जरूर देखें। करंट में हर चीजों के बारे में, करंट में कुछ चीजें इंटरलिंक्ड होगी, और उस चीज को जैसे कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी से ग्रेजुएट है और वो इंटरव्यू देने जा रहा, राइट? तो अभी लद्दाख में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है भारत और चाइना के बीच, तो अगर उसकी ज्योग्राफी के बारे में उससे पूछा जाए तो कोई बुरा नहीं है, राइट? कि उस एरिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके बारे में आप हमको इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या वहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशन उसका है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है ध्यान ये रखना है कि उसको ध्यान से 2-3 दिन उस पर काम करना है, और काम करके उससे क्वेश्चनायर निकालना है, क्वेश्चनायर और अप्लाइड टाइप का कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अगर आप पे फैक्चुअल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप पे सॉरी बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल नहीं होता है, ध्यान रखना है कि अगर फैक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं और उसका जवाब आप नहीं दे पाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं रहेगा। लेकिन जो अप्लाइड पार्ट है, जो आप पे एप्लीकेशन करते हैं, या जो करंट में बहुत चर्चित है और उसको अगर आप पे इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे एक कॉन्सेप्ट नेगेटिव क्या बनता है इंटरव्यूअर के सामने कि जब यह स्टूडेंट इस विषय में परफेक्ट, जिस विषय को 4 साल पढ़ा उसमें परफेक्ट नहीं है, उसकी जो अप्लाइड जो पर्सन है उस पर्सन का परफेक्ट परफेक्शन इसके पास नहीं है, तो फिर अदर में भी परफेक्शन नहीं होगा, यानी कि इसने पढ़ी है उसका यूटिलाइज नहीं जानता है, पढ़ने के बाद उसका ये यूटिलाइजेशन नहीं जानता है। इसलिए पहला जो वर्क आपको शुरू करनी है अपनी बायोडाटा से और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट को देखना है, राइट? क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे, और अगर वहां पर क्वेश्चन आते हैं और उसको आप फेल करते हैं तो फियर आप पर हावी होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, ध्यान ये रखना कि उस पर कॉन्फिडेंस आपका लूज होना ही होना है कि आप जिस चीज को पढ़े हैं उसके बेसिक, और ये सतही नहीं, ध्यान ये रखना है कि कई लोग बात कर देते हैं कि लूसेंट टाइप का चीज आप पढ़ लीजिए, सतही चीजें पढ़ के आप उसको नहीं अप्लाइड को समझ सकते हैं, लूसेंट आपको अप्लाइड नॉलेज नहीं दे सकता, आपको सतही नहीं पढ़नी है, राइट? जैसे एक बार हमसे पूछा गया इंटरव्यू में, मेरी स्कूलिंग हुई है चिरांद हाई स्कूल से, छपरा में चिरांद जगह है, और उसी चिरांद जो जगह है उस पे टीला जो है, उसी टीला पर हम लोग की हाई स्कूल है, राइट? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी, नेट में आर्कियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी में, और उसमें हमसे प्रश्न पूछा गया, हालांकि वो यूपीएससी का था, कि आप चिरांद स्कूल से पास हो, चिरांद किस लिए फेमस है? तो मैंने कहा न्यूलिथिक साइट है। तो उसने बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा कि न्यूलिथिक साइट है तो चिरांद के लोग पत्थर कहाँ से लाते थे? चिरांद एकमात्र साइट है जो मैदानी इलाका में है। तो प्रश्न पूछा कि वहाँ चिरांद में जो टूल्स मिले हैं तो वहाँ के लोग स्टोन टूल्स बनाने के लिए स्टोन कहाँ से लाते थे? किसी बुक में ये नहीं मिलेगा, ध्यान ये रखना, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट था। मेरे दिमाग में ये बातें नहीं थी, और मेरा गांव जो है वो गंगा सोन के संगम पर है, और हम लोग बचपन में जाते थे और जा करके सोन नदी में नहाते थे और वहां से पत्थर लेकर आते थे, खेलते थे उससे। बाद में मैंने पता किया, एक आर्कियोलॉजिस्ट बीपी वर्मा सर थे बिहार में ही, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सोन नदी से पत्थर लाते थे वो लोग। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत पहले गंगा नदी मेरे गांव से दक्षिण की ओर बढ़ रही थी,
अब उत्तर की ओर बहती थी, बहती है। तो जब दक्षिण की ओर बह रही थी तो चिरान से लोग सोन नदी बिना नदी को पार किए हुए जा सकते थे। यानी कि ये जो अप्लाइड जो नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करें तो आप अपने विषय के अप्लाइड पोर्शन को देखना है और अप्लाइड पोर्शन को थॉट डेवलप करके आप डेवलप कर सकते हैं, सतही चीज़ से आप नहीं डेवलप कर सकते हैं। अगर आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में, तो आप सतही चीज़ आपको काम नहीं करेगा, राइट? वहाँ कुछ लोग अच्छे, बिहार ऐसे भी, बिहार के बारे में जो कुछ भी आप बात करें, लेकिन बिहार में जो इंटेलेक्चुअल का जो लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल बिहार में हैं, ये बात जान लीजिए। और बोर्ड में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास काफ़ी नॉलेज रहता है। आप ये कभी भी एज्यूम करके नहीं जाएं कि सामने वाले के पास कम नॉलेज है। कई बार क्या होता है कि वो आपको प्रोवोक करने के लिए आप सही बोलते हैं और वो कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। आप ये एज्यूम करेंगे कि वो गलत बोल रहे हैं, उनको लैक ऑफ नॉलेज है। नहीं, उनको लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता है, वो जानबूझ करके इस तरह से शो करेंगे कि उनको कम नॉलेज है और आप सही बोल रहे हैं और आपको कहेंगे आप गलत बोल रहे हैं। तो इसको आपको मैनेज करना है कि सर हमारी जानकारी इस संदर्भ में ये है, हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही हो, बट मैंने मेरी जो जानकारी है इसमें ये है और मैं इसको देख लूँगा भविष्य में, राइट? तो एजुकेशनल बैकग्राउंड पर मतलब 2-3 दिन 4 दिन आप पूरे 15-20-30-40-50 क्वेश्चन आर बनाइए, ठीक है? कोई टीचर इसमें मदद नहीं करेगा आपको, मैं परफेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी टीचर का जो है, हर टीचर को हर सब्जेक्ट के बारे में कहाँ से पता होगा, 50-60-70 सब्जेक्ट हैं। तो काइंडली आप क्या कीजिए कि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में शुरू कीजिए और अप्लाइड पोर्शन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अप्लाइड पोर्शन उसका, उस पर क्वेश्चनायर आप बनाइए और नहीं हो तो किसी से डिस्कस कीजिए उसके बारे में। जितनी आप कोचिंग में दौड़ दौड़ के आप टाइम अगर लगाएंगे ना, उससे ज़्यादा है कि आप उससे जो बेसिक चीज़ है उस पर काम करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस आपके बढ़ जाएंगे। दूसरा, प्लेस के बारे में अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था उसमें, वो आपको यही मैं दिखा रहा था कि आपके जो बर्थ प्लेस है, कोई विलेज भी बहुत पॉपुलर है ना, कोई मनेर से अगर हो, पटना के पास मनेर गांव है तो वो बहुत ही पॉपुलर जगह है। तो आपके अगर गांव है, आपके जो ब्लॉक है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आप माइक्रो से माइक्रो लेवल की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चनायर बनाइए, ठीक है? उस पर अप्लाइड क्वेश्चनायर कि अगर कोई कल्चरल सेंटर है तो उसका कैसे इम्पोर्टेंस है हमारे सोसाइटी में, अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, अगर कोई ज्योग्राफिकल प्लेस है तो उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई ऐसा कल्चरल हेरिटेज है, कोई ज्योग्राफिकल वैसा प्लेस है, तो आप वहाँ जाके एक बार घूम लीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके एरिया को आपसे ज़्यादा जानता है। अगर वो प्रशासक है और उस इलाके में गया हुआ है तो प्रशासक के में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जो 25-30 वर्ष प्रशासन में हैं, बिहार के प्रशासन में हैं, और उसमें कई लोग बहुत क्यूरियस है कि जहाँ जाता है वहाँ के सोसाइटी के बारे में, वहाँ के इकोनॉमी के बारे में, वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, वो सारा चीज़ क्यूरियोसिटी के साथ ऑब्जर्व करता है। इसलिए आप कम से कम उस चीज़ को तो मतलब प्रैक्टिकली आप फील कीजिए कि इस गांव में मेरा जन्म हुआ है और इस गांव में अगर कोई ऐसा चीज़ है, हर गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जो जहाँ
एकदम हिस्ट्री में कहीं आपका जगह वहाँ नहीं है, वहाँ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बट अगर उसका कुछ इम्पॉर्टेंस है, राइट, उसी तरह से आप अपने स्कूल के बारे में, जैसे दो तीन लोग इसमें डीएवी स्कूल से पास है, मैं देख रहा था बायो डाटा आप लोग का, तो तीन लोग शायद का संबंध डीएवी स्कूल से है, राइट। अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपका संबंध डीएवी स्कूल से है तो डीएवी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसकी एक एजुकेशन के संदर्भ में एक अपना अप्रोच है, उसके हिस्ट्री से लेकर के उसके एजुकेशन के अप्रोच के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्या डिफरेंट है। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि डीएवी के जो स्कूलिंग है वो अदर स्कूल से कैसे डिफरेंट है और उसमें डिफरेंसेस है। जो लोग उसमें डीएवी में पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा भी उसमें पढ़ रहा है डीएवी में, तो उन लोग का जो पढ़ने का जो तरीका है उसका डिफरेंट है। उसी तरह से आप अपनी स्कूल, अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, उसके कोई यूनिक अगर पॉइंट है, उस यूनिक पॉइंट को आप ऑब्जर्व कीजिए और उससे क्वेश्चनार बनाइए। आपके स्कूल से कोई बड़ा पर्सनालिटी जो है अगर डेवलप किए हैं, आज हैं बहुत बड़े पर्सनालिटी, अगर आपको पता है तो उस पर्सनालिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। आपके कॉलेज से अगर बड़े पर्सनालिटी हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होता है, हम लोग पढ़ते थे छपरा में राजेंद्र कॉलेज में। अब देखो छपरा, अब सीवान और गोपालगंज अलग हो गया, पहले सारण डिस्ट्रिक्ट ही था। तो राजेंद्र कॉलेज, तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, अब उनसे क्वेश्चन पूछी ही जाती थी। आप इस बात को ध्यान में रखो कि अगर कोई एन कॉलेज में पढ़ रहा और वो अनुग्रह नारायण सिंह का जो रोल है उस रोल को अगर वो इग्नोर कर देता है, बिहार का इंटरव्यू उसको देने जाना है, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा। उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। ये आपका प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन ये नहीं है कि इतिहास भूगोल का किताब लेकर के बैठ गए, लूसेंट लेकर के बैठ गए और रट रहे हैं। ये तो आप कर चुके हैं। प्रिपरेशन है कि आपके साथ जो एसोसिएट है, दूसरा चीज कि जो प्लेस है उसकी, सोशल सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, इवन की पंचायती राज संस्था, वहाँ स्कूलिंग, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी। जैसे अभी जो आप कोविड का एरा है, तो कोविड के एरा में आप जानिए कि आपसे हेल्थ फैसिलिटी के बारे में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि कोविड पर पूछे। अगर आपके एरिया में, जैसे अभी तीन चीज इन्फॉर्मेशन मिल रहा कि पटना, गया और भागलपुर, तीन एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट, पटना में, गया में, भागलपुर में, ये तीन में बहुत ज़्यादा इसका ग्रोथ हो रहा। तो जो बाहर से जो लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ दिल्ली बैठ करके देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, आप वहाँ का लोकल जो फैक्टर है, यूनिक फैक्टर, उस यूनिक फैक्टर को आप पे तलाशिए कि क्यों यहाँ पर इसका जो स्पेड है उसका लोकल कॉजेज क्या है। नेशनल कॉजेज की बात नहीं करनी है, नेशनल कॉजेज जो है सो है, हमारा लोकल कॉजेज वहाँ पर कैसे काम कर रहा और उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। तीसरा जो चीज़ है, जो लोग खास करके जॉब में हैं, है ना, दो तीन लोग इसमें जॉब में हैं, तो आपके पूरे जॉब प्रोफाइल की तैयारी होनी चाहिए। मतलब आपका, आप समझ जाइए कि अगर जॉब के बारे में अगर आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और अपने प्रोफाइल, प्रैक्टिकल नॉलेज, हमेशा ध्यान में रखना है कि जॉब में प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट,
थ्योरेटिकल नहीं कि हम इतिहास भूगोल ज़्यादा जान रहे, आप जॉब के जो प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम हैं उसके सॉल्व करने का जो तरीका आपका है और उसमें कुछ आप यूनिक बात कह रहे हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जॉब प्रोफाइल को तो आप तैयार कीजिए ही कीजिए, उसी से पर्सनालिटी आपका डेवलप होगा। जैसे अगर मान लो कि अभी आप जॉब में लोअर पद पर हैं, राइट, और आप अपर पद के लिए आप फाइट करने जा रहे हैं, तो उस लोअर पद में कौन सा आपने काम किया जो कि आपको अपर पद के अनुकूल बना रहा है? जरूर कोई ऐसा चीज होगा कि उससे आप अपनी चीजों को दिखा सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की स्किल है कि हम अभी ये जॉब तो कर रहे हैं लेकिन अपर जो जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए, वो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप तैयार कीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक बार ऐसा हुआ कि ऐसी समस्याएं आई और हमारे जो बॉस थे जो कि गजेटेड अफसर हैं वो नहीं थे और इसी समय जो है हमको डील करना था तो हमने उसको इस तरह से डील किया और उसमें पॉजिटिवनेस दिखा करके आप दिखा सकते हैं कि हमारा जो है हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें है। चौथा जो मेजर पार्ट है इसके अंतर्गत जो कॉन्फिडेंस आप डेवलप करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, उसमें करंट अफेयर्स, राइट। अब ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स की तैयारी हम कहाँ से शुरू करें, तो ध्यान रखो कि बायोडाटा में हमने आपको बोला कि माइक्रो से मैक्रो की ओर जाइए, यानी छोटे से लेके बड़े की ओर जाइए। करंट अफेयर में बड़े से छोटे की ओर जाइए आप। बड़े से छोटे की ओर जाने का मतलब यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं कि आप 10-20 जो बड़ा इश्यूज है, चाहे वो बिहार के लेवल का 10 इशू बड़ा, 10 नेशनल इशू, 10 इंटरनेशनल इशू, इसका एक लिस्ट बनाइए, राइट, और वहां से आप अपनी पढ़ाई शुरू की। जैसे मोस्ट पॉपुलर जो इशू है कोविड है, राइट, तो कोविड का फैक्चुअल ध्यान ये रखना कि कोविड का फैक्चुअल भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है बिहार में ऐसे रहते हैं इंटरव्यू बोर्ड में कि आपको पूछ दें कि किस डेट से ये शुरू हुआ, चाइना में किस डेट से शुरू हुआ, राइट, या किस जगह से शुरू हुआ, इंडिया में पहला केस कहाँ मिला, है ना, जैसे इंडिया में आया तो पहला केस कहाँ मिला, किस डेट को मिला, ये बार बार न्यूज़ में आ रही है। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ में आ रही है, जब आप न्यूज़ को गंभीरतापूर्वक देखिएगा, जब न्यूज़ में एनालिसिस होता है कि भारत में इतने दिनों में इतने दिनों में, तो आपको उसमें बताएगा कि इस डेट को भारत में पहला कोविड का जो है मरीज पाया गया, तो ये थोड़ा सा कलेक्ट कीजिएगा, राइट। दूसरा, कोविड को कंट्रोल करने में कुछ मॉडल की चर्चा हो रही है कई जगह, है ना, जैसे एक बार कुछ दिन बिलवारा मॉडल की चर्चा हो रही थी जहां टीना डाबी जो है वहां पर थी और उन्होंने उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसी तरह से आप देखिए कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न जो आएगा ना, खास करके जो बिहार के संदर्भ में आएगा, तो बिहार में अगर कोविड जो है का अब स्प्रेड होना शुरू हो रहा, जो न्यूज आ रहा उस न्यूज़ में आ रहा कि बिहार में जो हेल्थ फैसिलिटी है उसकी हालत बुरा है, तो तीसरा प्रश्न आप पे अगर कोई इस बात को सोचे कि बिहार एक गरीब स्टेट है इसलिए ऐसा हो सकता है, इसके कारण ये है, तो क्या अदर जो गरीब स्टेट है, जो बिहार के लेवल का गरीब स्टेट है, क्या उसमें भी हालात वही है? इसको आपको डेवलप करनी है, इसको डेवलप करनी है, आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करनी है। जैसे आप उड़ीसा की बात कीजिए, उड़ीसा भी तो गरीब स्टेट है,
राजस्थान भी बहुत अमीर स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की भी स्थिति बहुत अमीर स्टेट में नहीं है। अमीर स्टेट महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पंजाब है, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है कि केवल एक गरीब स्टेट का नाम लेकर के और आप उसको डिफेंस नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैं कह रहा हूं कि आप इस बीच हम लोग फिर मतलब चीजों को कलेक्ट करके उस पर बात करेंगे, आज केवल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको करना है और व्यक्तिगत रूप में करना। ध्यान रखना है कि एक चीज हमेशा मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटरव्यू की तैयारी आपको खुद ही करनी है। आप जितना कलेक्ट करेंगे, जितना ध्यान देंगे, आपको उसका आंसर आपको मिलेगा और आप बोल पाएंगे आंसर को, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस आपसे नहीं पूछेगा कि उसकी इंटरनल साइंस क्या है, राइट। इसमें जनरल बातें होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पूछी जाती है। तो जैसे आपने कोविड को एक इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक मेजर आपने टॉपिक बनाया, आप इंडिया का जो रिलेशनशिप है अगर भारत के संदर्भ में आप देखिएगा, तो अभी फॉरेन रिलेशनशिप हमारा केवल चाइना के साथ नहीं, राइट। चाइना के साथ संबंध में गिरावट आई है, नेपाल के साथ संबंध में गिरावट आई है, मालदीव के साथ संबंधों में गिरावट आई है, पाकिस्तान तो है ही, ईरान का मुद्दा आ गया है। तो आप इस मेजर को देखिए कि भारत की जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है इस पे आएगा, हो सकता है चाइना पर नहीं पूछे, हो सकता है चाइना पर प्रश्न नहीं पूछे। तो भारत एज ए इंटरनेशनल जो ग्लोबल जो वर्ल्ड है, उस ग्लोबल वर्ल्ड में भारत को सेंटर में डालिए और जो मेजर हस्तियां हैं उनके साथ भारत के क्या क्या रिलेशन हैं, या अमेरिका का जो सुपर पावर हाइपर पावर का जो उसकी स्थिति जो थी उसमें कैसे डाउनफॉल हो रहा है ना। एक समय अमेरिका को कह रहे थे कि हाइपर पावर है, अब कोविड के एरा में अब दिखाई दे रहा कि अमेरिका खुद ही फंस गया है और उसको चाइना चुनौती दे रहा। नेशनल लेवल पर राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत हाईलाइटेड रहा है, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो रहे हैं, सीएए का मुद्दा, एनपीआर का मुद्दा। अब देखिए ध्यान ये रखिएगा कि सीएए का मुद्दा जो है उसको जब तक आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को बहुत अच्छा तरीके से नहीं पढ़ते हैं तब तक आप इस मुद्दे को नहीं समझ सकते हैं। आम तौर पर अगर एक सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि आप भारत के सिटीजन हैं, यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो एक सिटीजन आप हैं, तो एक सिटीजन होने के नाते आपके पास क्या है जो आप सिटीजन हैं भारत के, कैसे आप डिफाइन करेंगे कि आप भारत के सिटीजन हैं, दूसरे सिटीजन नहीं हैं। वो सीए पर नहीं पूछेगा, ध्यान ही रखना है कि हो सकता है सीए पर नहीं पूछे, हो सकता है आपको सिटीजनशिप पर पूछे। इसलिए ये इस तरह की जो चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि मैक्रो से माइक्रो जाइएगा, माइक्रो से मैक्रो नहीं जाइएगा। माइक्रो से मैक्रो जब जाइएगा तो आपके पास इतने ज़्यादा कंटेंट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा मतलब टॉपिक हो जाएंगे कि आप उलझ जाइएगा। 20, 25, 30 जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको तैयार करना है और उससे रिलेटेड टॉपिक तैयार करना है। जैसे इकोनॉमी में अब ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी का जो डाउनफॉल है और इस डाउनफॉल को रोकने के लिए आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि इसमें इसका क्या रोल हो सकता है। उसी तरह से बिहार की इकोनॉमी, जैसे कोरोना वायरस से अभी बिहार में फैलने लगा, लेकिन एक महीना तक हम लोग एक महीना पहले तक बात कर रहे थे, जब ये गाँव से बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इकोनॉमी हम लोग का एकदम सब चल रहा, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, राइट। एक महीना डेढ़ महीना पहले जब बातें हो रही थी तो लोग कह रहे थे बिहार में
कि बिहार की मतलब आर्थिक क्रियाकलाप जो है थम नहीं गई है, वो चल रही है। हम लोग दिल्ली में हैं तो 4 महीना से हमारी आर्थिक क्रियाकलाप थम गई है, तो बिहार की आर्थिक क्रियाकलाप चल रही है। क्यों चल रही है? कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, राइट? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। बिहार का अर्बन पॉपुलेशन कितना कम है आप देखिए, आप अगर डेटा देखिएगा तो 13-14% ही अर्बन पॉपुलेशन है। बिहार में बड़े सिटी कितने कम हैं? बड़े सिटी भी बहुत कम हैं। तो शुरुआती दौर में हमने सिटी को टारगेट किया था और ग्रामीण इलाका खुले हुए थे, तो अर्थव्यवस्था का जो संचार था, जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था जितनी ठप हुई, जितनी दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठप हुई, उतनी बिहार की नहीं हुई है, राइट? तो आपको लोकल थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा और सारे चीज़ को कलेक्ट करके और फिर आना है ऑप्शनल पर। ऑप्शनल भी आपका मेजर पार्ट है जिसमें ठीक है 4-5-6 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि एक चीज़ जो आप पे तैयारी किए हैं, अधिकांश लोग जो है ऑप्शनल को पढ़े हैं, तो हम लोगों ने सिलेबस पढ़ाया है ना, सिलेबस जो आपके बीपीएससी के सिलेबस जो है उसको हम लोगों ने पढ़ाया है। लेकिन जब इंटरव्यू आप जा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी आप करने जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए केवल वही सिलेबस नहीं है। ध्यान ये रखना है कि अगर कोई एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में कोई नई चीजें हो रही है, राइट, कोविड का अगर इन्फ्लुएंस किसी ट्राइब में, अगर आपको पता चले कि बिहार का कोई ट्राइबल बेल्ट भी बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस है, राइट, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। या बिहार सरकार ने कोई अगर ट्राइबल के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया है तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन जनरल सिलेबस तो देखना ही है। अब देखो, एक चीज़ अगर सिंपल कोई पूछ दे, आपके सिलेबस में नहीं है कि अगर संक्रामक बीमारी है, जैसे कोविड है या कोई भी संक्रामक बीमारी हो, इसको रोकने में एंथ्रोपोलॉजी का कोई रोल है, तो देखो आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में एक टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, महामारी का मानव विज्ञान। और महामारी का मानव विज्ञान जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज का जो अध्ययन है वो बायोकल्चरल इकोलॉजिक अप्रोच में करता है। बायोकल्चरल इकोलॉजिक अप्रोच का मतलब क्या है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने भी स्टडी किया इस कोविड का, तो हम पा रहे हैं कि जिस सोसाइटी में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाता है, पहले से ही कल्चर में है सोशल डिस्टेंसिंग, पहले से ही कल्चर में हेल्थ और हाइजीन को लेकर के मतलब कॉन्शियसनेस है, वहाँ पर इसका स्प्रेड कम है। जैसे आप देखिएगा यूरोपियन जो कंट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, उसका एक कारण ये भी था कि उनमें जो दो व्यक्ति अगर मिलता है तो हैंड शेकिंग और किसिंग है ना, ललाट को चूमना, ये सब उनके कल्चर में है। तो जब शुरू में ये चीज़ें पता नहीं थी कि ये इस तरह से मतलब आइडेंटिफाई है, तो उसमें इसका बहुत ज़बरदस्त स्प्रेड हुआ। उनका स्प्रेड का दर जो है उनके कल्चर के कारण ज़्यादा रहा। और जहाँ पर डिस्टेंसिंग है, जैसे जापान के बारे में इंफॉर्मेशन आया, मैं पढ़ रहा था, तो जापान में कंट्रोल है, तो वहाँ पर एक कल्चर है जापान में इस कोविड के पहले से ही कि अगर किसी को सर्दी खांसी, जनरल सर्दी खांसी भी हो जाता है और वो पब्लिक पैलेस पर जा रहा तो मास्क लगा के जाता था। मैं कोविड एरा के पहले की बात कर रहा हूँ कि जापान में ये कल्चर है उनका कि अगर सर्दी खांसी अगर किसी को हो गया तो वो मास्क लगा के ही जाएगा मार्केट में।
और इसलिए मास्क लगाकर रहना जापान के लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह नहीं है। हम लोग अपने यहाँ मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो कई लोग मास्क लगाए हुए हैं लेकिन नाक खुला है। मास्क आप लगाए हुए हैं और नाक ही खुला है तो फिर उस मास्क लगाने से क्या फ़ायदा है? तो हम बात करेंगे जो एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल जो है उस पर स्पेशली मैं कुछ चीज़ें आपको तैयार कर दूंगा और उस पर बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अप्लाइड टाइप का चीज़ आपको कलेक्ट करना है, राइट? और ये डेली रूटीन में आप इस प्रोसेस को आप शुरू करें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और जैसे आप पार्ट वाइज करना शुरू करें कि आज अगर हमको बायोडाटा में अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को ठीक करना है, एक दो दिन उस पर टाइम देना है तो टाइम देना है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड हमने तैयार कर लिया, हमने अपने प्लेस बर्थ प्लेस और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को तैयार कर लिया। फिर अगर उससे आगे हम गए तो नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर का पांच जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पांच इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमने तैयार कर लिया। फिर नेशनल करंट अफेयर्स का 5-10 चीज़ हमने तैयार कर लिया। फिर बिहार का हमने तैयार कर लिया और बिहार का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारा चीज़ तैयार कर लिया, बिहार में क्या पॉजिटिव प्रोग्रेस हुआ है और क्या अभी तक निगेटिविटी है और क्या होनी चाहिए, राइट? ये 2-3-4-5 चीज़ें आप कलेक्ट करके और फिर ऑप्शनल को पहला राउंड में तो क्या करना है कि जो सिलेबस है उसको सामने रख के एक राउंड पढ़ जाना है, बेसिक चीज़, राइट? लेकिन पढ़ने वक्त हमेशा ध्यान में रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी का क्या उपयोगिता है, इस पर हम स्पेशल आपको बताएंगे अगले दिन। जिस दिन हम लोग सेशन में बात करेंगे उस दिन एंथ्रोपोलॉजी पर स्पेशल हम बात करेंगे। लेकिन आप इस सारे को कलेक्ट करके और डेली डायरी मेंटेन कीजिए, आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। डायरी मेंटेन करना है कि इस टॉपिक पर ऐसे ऐसे हमको आगे बढ़ते जाना है, और जब आप ऐसे करते जाएंगे तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ते जाएगा और फियर आपकी घटते जाएगी। और अल्टीमेटली देखो, अगर इंटरव्यू में भी हम जाते हैं तो नॉर्मल जाना है, जितना आप कूल रहेंगे, जितना आप नॉर्मल रहेंगे आपका परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर रहेगा। महेंद्र सिंह धौल जी को याद रखना है कि धोनी का, अगर आप क्रिकेट आप देखते हैं तो कई बार धोनी ने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी टीम को जिता दिया। उस बंदे को अगर आप अगर ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि टीम हार भी रहा है तो घबरा नहीं रहा है और अंतिम बॉल तक खेल रहा है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर 2-4-5 भी ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाए कि आपसे पूछा जा रहा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सॉरी बोल के नॉर्मल ही आप रहिए, और उसके बाद अगर मौका मिलता है आपकी तरफ आ गया और आप उसको परफॉर्म करते हैं तो आप पास कर जाते हैं। और जवाब के माध्यम से ही जो आप आंसर दे रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो आंसर देना है तैयार अगर हम इन चीज़ों को करें तब तो बेहतर कर पाएंगे। अगर इन चीज़ों जिसकी चर्चा हम लोगों ने की अगर आप इसको तैयार कर लें, और पार्ट वाइज करना है, देखो पीटी मेंस टाइप का नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप क्या हो जाओगे कि आप पढ़ते पढ़ते फंस जाओगे, उसमें आपका कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होगा। आपको पढ़ना है कि हाँ आज मैं अपने बायो डेटा पर काम कर रहा हूँ तो 1-2 दिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ अपनी एजुकेशन पर, और कहाँ कहाँ वो इंटरलिंक्ड कर रहा, ठीक है? जॉब प्रोफाइल पर काम कर रहा हूँ तो 1-2 दिन काम कर रहा हूँ, उसके बाद अगर हम करंट अफेयर पर काम कर रहा हूँ तो 10-20 दिन करंट अफेयर लगातार करते रहेंगे, क्योंकि उस पर जो टीवी में अगर राज्यसभा चैनल वगैरह को आप देखिएगा तो आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए राज्यसभा चैनल में, आप जो उसका डिबेट होता है तो टॉपिक आपको मिल जाएगा आराम से, नेट पर ही मिल जाएगा, राज्यसभा चैनल से मिल जाएगा। और करंट को तो डेली देखना है, पेपर डेली पढ़ना है। ऑप्शनल को एक राउंड आप पढ़ लीजिए और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चनार जो है हम पूरा आपको करा देंगे, राइट? और अगर किसी को कुछ अगर जानकारी है तो आप बताइए, और नहीं तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ अगर जानकारी चाहिए तो बताइए। सर जब हम आपको
हमारी बायो डाटा नहीं होती है तो उन्हें पैनलिस्ट के पास एंथ्रोपोलॉजी का स्पेशलिस्ट रहता होगा, उन्हें ये तो नहीं पता देखिए होगा। बिहार में एंथ्रोपोलॉजी का जो पढ़ाई होती है केवल भागलपुर यूनिवर्सिटी में होती है, राइट। और हर विषय का स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद नहीं रहता है, ध्यान ही रखना है। लेकिन जब आप स्कॉलर लेवल पर जाते हैं, है ना, जब आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से आप मिलेंगे तो उन लोग को अधिकांश विषय आते रहती है और उनको तो प्रश्न पूछना है, आपको आंसर तो देना नहीं है। अगर हमको प्रश्न पूछना है, हम केवल ये जाने कि एंथ्रोपोलॉजी में ये चीज़ पढ़ा जाता है, तो हम तो प्रश्न पूछ ही सकते हैं आपसे। सोशियोलॉजी में ये चीज़ प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज़ पढ़ा जाता है, तो हम तो पूछ ही सकते हैं। तो प्रश्न का लेवल बहुत नॉर्मल होता है। देखो गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि आप पहले से ही आप बर्डन लेके चल रहे हो और बहुत तरह का सोशल मीडिया पर आपको उस तरह की चीज़ें भी मिल जाएगी कि लोग तरह तरह की कहानी आपको सुना रहे हैं। आप एकदम नॉर्मल रहो और नॉर्मली तैयारी करोगे, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आप जवाब, इतने पढ़े हैं आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन घबराहट के चलते जवाब नहीं हो पाती है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी जैसे वहां से, हाँ हेलो बोलिए। हाँ, कई बार वो लोग कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं आपको और आपके मतलब, और ऐसा हो जाता है कई बार आपके एथिक्स पे आ जाता है बातें कि नहीं यार हम तो ये बात सही बोल रहे हैं, तो इस समय क्या। देखिए कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब है कि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी क्रिएट करेंगे। दूसरा कई बार क्या होगा कि आप सही बोल रहे हैं और आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए वो कहेंगे कि आप गलत, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, राइट। ये चीज़ ज़्यादा सही है, तो उस स्थिति में आप उनके बात को नहीं काटेंगे, आप सिर्फ ये बोलेंगे कि सर वर्तमान में मेरी जो जानकारी है कि इस संदर्भ में ये है, अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है ये सही हो और मैं अपनी जानकारी को सुधार लूँगा, है ना। बहुत सिंपल वे में लेना है, टेंशन लेने से ये पूरी खराब हो जाएगी और पूरा आपको वर्क करना है। ध्यान ये रखना है कि आप में से जितने लोग हैं सबका इंटरव्यू अलग होगा, सबके क्वेश्चनायर अलग होंगे, कॉमन क्वेश्चनायर नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उसी से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है और क्वेश्चन की शुरुआत उसी से हो जाती है तो फिर आप जवाब दे रहे हैं उससे क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, क्वेश्चन उससे निकल रहा है। तो जवाब हम परफेक्ट दे सकें इसके लिए एक प्रोसेस से शुरू करना होता है और जब आप प्रोसेस से जाएंगे तो आप जवाब दे पाएंगे। दूसरा, ये जो तैयारी है इसमें जितना इंटरलिंक आप करेंगे, इंटरलिंकिंग जितना करेंगे उतना ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है कि आप जिस विषय के बारे में सोचें उसकी इकोनॉमी, उसके पॉलिटी, उसके सोशल, उसके कल्चरल, उसके ज्योग्राफिकल, उसके से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारा चीज़ को इंटरलिंक्ड करना है। जैसे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं ना कि होलिस्टिक स्टडी करते हैं, तो इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच पर ही हो सकता है और ये स्टूडेंट करता है। देखो जिसको एग्ज़ाम में इंटरव्यू देना है उन्हीं को प्रिपेयर करना, आप दूसरे पर डिपेंड रहिएगा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सिलेबस ओपन नहीं है जिसको पढ़ाया जा सके। कई लोग क्या करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी में पूरा जीएस पढ़ाना शुरू कर देंगे, दैट इज नॉट ए गुड वे कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप जनरल स्टडीज का आप क्लास से टाइप से चल रहा है, 2 घंटा 3 घंटा क्लास चल रहा है, आप क्लास कर रहे हैं। गुड वे ये है कि आप कोई टॉपिक आप सिलेक्ट, 10 टॉपिक सेलेक्ट हुआ, राइट, उस टॉपिक से क्वेश्चनायर बना, क्वेश्चनायर का जवाब आपसे पूछा जा रहा, आप जवाब दे रहे हैं और उससे बेहतर जवाब हम आपको सिखा रहे हैं कि आप ये जवाब दे रहे हैं इसका जवाब अगर ऐसे दें तो और बेहतर होगा। ये सबसे बेस्ट है कि हमने ओपन कर दिया कि ये 5 टॉपिक है, राइट, आप 5 दिन में आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, कुछ जो भी आपको आपके पास रिसोर्सेज है आप बात कर लीजिए
और फिर इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चनार बन सकता है। और क्वेश्चन हम ऐसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, और उसको फिर हम बता रहे हैं कि इससे बेहतर जवाब ये हो सकता है। अगर ऐसा प्रैक्टिस किया जाए तो ये निसंदेह ही बड़े फायदेमंद प्रैक्टिस होगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस बहुत बड़ा ग्रुप में नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना है। ऐसा प्रैक्टिस 5-10 लोगों के बीच हो सकता है, ये 1000 और 300-400 लोगों के बीच ये प्रैक्टिस हो ही नहीं सकता। इसलिए आप क्वेश्चनार जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चनार होना चाहिए, प्रैक्टिकल मैं बात कर रहा हूँ, राइट, प्रैक्टिकल थॉट ये आपको डेवलप करना है, और जवाब आपको देना है मुंह से, लिख के नहीं। जवाब आपको देना है मुंह से, नहीं होगा तो आगे जो है मैं अपने साथ एक दो और लोगों को जोड़ लूँगा और आप लोग का मॉक भी करा दूँगा इसी तरह से, एक एक करके मॉक भी हो सकती है। उस पर क्वेश्चनार पहले हम लोग तैयार कर लें। हाँ बोलिए। देखिए मैं जो बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, थोड़ा लेट में आप जुड़े सेशन में, इंटरव्यू की कोई तैयारी पीटी में जैसा करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, उस पर आप काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। और जब काम करना शुरू कीजिए तो उस बीच में आपको एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जो कि उसकी जानकारी उस पर हो और वो उस पर आपको प्रश्न आपसे पूछ सके, और अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपसे बेहतर आंसर वो आपको प्रोवाइड कर सके, लिखित नहीं, बोल के। ध्यान ये रखना है कि यहाँ लिखित का कोई रोल नहीं है। दूसरा चीज़, जब पढ़ने जाइएगा ना तो टू द पॉइंट लिखिएगा, 2 लाइन 3 लाइन में लिखिएगा। कोई भी चीज़ जब आप क्वेश्चनार बनाइएगा तो 2 लाइन 3 लाइन में आप उसको लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ 10 लाइन बोलने की स्थिति में नहीं हैं, आप 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बोलने की स्थिति में हैं। तो आप उसको थोड़ा सा पॉइंट्स को उसकी हायरार्की बनाइएगा, पॉइंट्स की हायरार्की मैं कह रहा हूँ, और हायरार्की बना करके जो पहला हायरार्की में फर्स्ट पॉइंट आप दे रहे हैं तो पहले फर्स्ट को बोलिए, फिर सेकेंड को बोलिए, फिर थर्ड को बोलिए। इससे क्या हो रहा कि जो मैंने बताया कि आप में लीडरशिप होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये उस पर झलकेगा, राइट, ये उस पर दिखाई देगा। और ये निरंतर प्रैक्टिस से हो सकता है, ये किताब पढ़ के नहीं हो सकता है। जब भी आप किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ के ये चीज़ें नहीं हो सकती है, इसके लिए प्रैक्टिस करना। कि एक आर्टिकल हमने पढ़ा, अगर कहीं मिला कुछ पढ़ा या कुछ देखा हमने, अब उसमें कोई व्यक्ति, जैसे आप देखिएगा कि एक ही इशू पर 4 व्यक्ति बोल रहे हैं, 4 तरह से बोल रहे हैं, लेकिन आपको खुद पता चलेगा, इतना आप पे अब अध्ययन कर चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि ये जो बता रहे हैं बड़ा बैलेंस बता रहे हैं, है ना, 3 लोग बायस बता रहे हैं लेकिन ये बड़ा बैलेंस बता रहे हैं। तो जो बैलेंस बता रहे हैं या बैलेंस जो चीज़ आपको मिल रहा वो आपके लिए ठीक है। और ये टाइम, देखो टाइम मैं कह रहा हूँ कि आप जो जनरल पढ़ते हैं, पढ़ाई की तैयारी करते हो, करते रहिए। आप रोज़ 2 से 3 घंटा आप इंटरव्यू के लिए टाइम दीजिए, 3 घंटा इंटरव्यू के लिए, 4 घंटा टाइम सफिशियंट है। उसमें मन लगे कि आज अपना गांव को हम सब जान रहे हैं। देखो आप ऐसे आप कर सकते हो कि मन लगे कि मतलब इंजॉय करें कि आज अपने गाँव के बारे में, अपने ब्लॉक के बारे में जो हम नहीं जानते थे आज उसको जानने का प्रयास करें, राइट। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सुमन। हेलो। हाँ बोल। देखो इंडिया में भी जो हमारा प्रणाम करने का कल्चर है ना, जो हम लोग प्रणाम करते हैं अलग से, ये उसको रिड्यूस करता है।
देखो यहाँ फैला है ज़्यादा, तो उसका कारण है कि एक तो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, पहला चीज़। दूसरा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग को जो मेंटेन करना चाहिए, पीपल उतने अवेयर नहीं रहे। जैसे बिहार के बारे में ये सबसे बड़ा जो चीज़ आ रहा है कि बिहार ने शुरू में नोटिस ही नहीं लिया कि कोरोना है, और जब पूरे फैल गया लोगों में तो अब उसका क्या उपाय है। जब शुरू में दिल्ली में, दिल्ली से लोग जो भाग कर वहाँ जा रहे थे, ना उसको आपने कंट्रोल किया और ना ही आपने किया कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। बिहार में 15 दिन 20 दिन पहले जो बात हो रही थी कि सारा चीज़ खुला हुआ है और आराम से लोग बाजार में भीड़ लगी हुई है, तो ये कारण है। इंडिया में अभी भी, इंडिया में जितना मतलब रिपोर्ट आ रहा, जितनी फैलनी चाहिए उतना नहीं फैला है। क्योंकि देखो इंडिया का पॉपुलेशन के अगर रेशियो में आप कोरोना वायरस को अगर आकलन करोगे तो ये कम फैला है अभी भी। आप 121 करोड़ हैं, आप 30 करोड़ हैं, अमेरिका में 30-35 करोड़ 40 करोड़ लोग होगा। आप इस ऐसे आप तुलना कीजिए तो अभी भी हमारे यहाँ कम है। हालांकि और भी हम लोग इसको कम कर सकते हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें तो और भी कम कर सकते हैं। तो इंडियन कल्चर में तो एक वही इम्पोर्टेंट है कि हम प्रणाम अगर किसी को करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को, या फिर एक तरह से दो चीज़ें इंडियन कल्चर में है कि निगेटिव के रूप में है कि अगर हम घर में रहते हैं तो सब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं, तो इससे बढ़ेगा। लेकिन जो अपरिचित है उससे हम इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। इंडियन का एक चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अपरिचित लोगों से दूरी बना करके आप रखते हैं। तो जनरली शुरू के दिनों में कुछ ऐसा हुआ भी कि पता चला कि वो बाहर से आए हैं तो उनका सोशल बायकॉट भी लोग किए, उससे भी कम हुआ है। ये अपरिचित के साथ हमको कोई कांटेक्ट नहीं करना है। अतिथि देवों को फॉलो करना है, लेकिन अपरिचित के साथ बहुत हम घुलते मिलते नहीं हैं। जैसे एक सिंपल हम बता रहे हैं कि अगर आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति गेस्ट आ रहा है जो बाहर से है, तो आप क्या करते हैं कि उसको बाहर खाना खिला देते हैं, घर के अंदर ले जाकर के महिलाओं के साथ इंटरेक्ट नहीं कराते हैं, है ना। लेकिन कई जगह ये है कि अगर कोई गेस्ट आया, चाहे वो नया गेस्ट ही क्यों ना हो, तो सारे लोग एक ही टेबल पर मिल करके खाना खा रहे हैं और सब इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक के पहलू भी है कि जहां पर आप अपरिचित के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, राइट। और कुछ और सर पूछना था कि सर अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एज एसडीएम आप क्या रोल है आपका कोविड-19 के लिए, तो देखिए फ्लड प्रोन एरियाज में आप क्या स्टेप्स लेंगे। देखिए मेनली आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के अगर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें एक सिचुएशन ये भी दिया जाता है कि आप यहाँ के होते हैं, आपको ये नहीं बताया, आपको जरूर उसमें जोड़ेगा, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके गांव है, उस एरिया को जोड़ेगा, राइट। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि केवल एसडीएम होते तो आप क्या करते हैं, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि आप दानापुर में एसडीएम होते तो क्या करते, राइट। तो जब भी अगर इस तरह की बातें आती है तो ध्यान ये रखना कि प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो निर्णय होती है वो वहाँ के ज्योग्राफी, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के सोशल इन्वायरमेंट की जानकारी के आधार पर, जैसे आपने कहा फ्लड प्रोन एरिया में है, राइट। तो फ्लड प्रोन एरिया सब एक जैसा नहीं है। अगर आपको कहा जा रहा कि आप दरभंगा में हैं और वहां पर क्या आप करते, तो दरभंगा का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अपने आंसर को यूनिक बना पाएंगे। अदरवाइज आप जनरल आंसर देंगे, यहां जनरल आंसर नहीं देना होगा, आपको लोकल आंसर देना पड़ेगा, लोकल आंसर आपको देना पड़ेगा। तो
देखो एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी एज ए एसडीएम ये तो एक तरह से इस तरह से नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है कि अगर इस महामारी में जो आपने नॉलेज गेन किया है तो इससे नॉलेज का क्या उपयोगिता हो सकता है ना, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम किसको पढ़ते हैं, सोसाइटी को पढ़ते हैं, राइट। अब कोरोना वायरस को अगर कंट्रोल करना है तो सोसाइटी में कुछ सोशल चेंज करना पड़ेगा, सोसाइटी के लोगों के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, तो सोसाइटी के लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में इसकी भूमिका हो सकती है, क्योंकि हम सोसाइटी, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में ज़्यादा सक्षम होता है, क्योंकि उसमें हर कल्चर के बारे में एक तो नॉलेज है कि कहाँ का व्यक्ति कैसा बिहेवियर करेगा, उसके कल्चर के बारे में पता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में उसको पता है, तो उसको किस तरह से हम चेंज करेंगे ये डायरेक्शन वो वहाँ दे सकता है, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग या अदर जो फैक्टर है उसको वो लोगों के को मानने के लिए प्रेरित कर सकता है।